तो ये मेल फीमेल मैं कंफर्म लाया हूँ, और मार्किंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है इनकी, प्रॉपर प्योर क्वालिटी, मतलब जो प्योर ब्लड लाइन के ये। कितने छोटे हैं आप साइज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कबूतर से थोड़े से ही बड़े हैं ये। तो हाँ जी फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे कहा था, तो मैं जो हूँ फेयर में से लेके आया हूँ जी ये पेयर, ये है बेंटम मुर्गों का। तो ये बौने कद के मुर्गे हैं जी, छोटे छोटे आप देख सकते हैं और बड़े ही सुंदर हैं। तो मैं सामने से भी आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि अभी अभी मैं इनको पेटी में से निकाल के बाहर छोड़ा है। देखो जी कितने छोटे हैं, आप साइज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कबूतर से थोड़े से ही बड़े हैं ये। अरे देखो आवाज़ें कर रहा है, डर रहा है, तो इनको ज़्यादा देर नहीं छोड़ते, अभी खाने को दे दिया दाना। और वैसे ये पूरे मुर्गे हैं, मतलब 6 महीने के बच्चे हैं ये दोनों, और दाना रख दिया है जी, दाना खाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी पेटी में हमारे क्या है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो जी पिंजरा हमारे पास दूसरे वाला जो कबूतरों का है, मैंने वो रख लिया है क्योंकि अपने वाले जो हैं बाहर कर दिए हैं, और इनके लिए अब जल्द ही घर भी बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये है जी जो हम लेके आए हैं, और कितने सुंदर कबूतर हैं ये देखो जी, सेंटिनेंट कबूतर हैं जी ये, और जैसा वहाँ भैया ने मुझे बताया था। और रिदु देखो जी खुश हो रही है, लो रिदु देखो, ये देखो जी रिदु बहुत खुश हो रही है, ये देखो जी बड़े ही सुंदर कबूतर हैं। तो ये मुझे पसंद आए, और एग्जॉटिक बर्ड्स हैं ये, जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे, बाकी मैं इनको छोड़ के दिखाता हूँ आपको जी पिंजरे में। तो ये मेल फीमेल मैं कंफर्म लाया हूँ, और मार्किंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त है इनकी, प्रॉपर प्योर क्वालिटी, मतलब जो प्योर ब्लड लाइन के ये मेल फीमेल हैं, बड़े सुंदर है जी। देखो इनकी चोंच देखो आप, जैसे तोते की चोंच होती है और वैसी है। तो ये मैं स्पेशली गया था जी, तो आज मैं बड़ा खुश हूँ जी, अपनी जो इच्छा थी कि मैं ये बर्ड्स लेके आया हूँ। बाकी आप लोग व्लॉग्स आगे के देखते रहना जैसा भी होगा, क्योंकि ऊपर इनके लिए एक प्रॉपर सेटअप जल्द ही हम बनाएंगे। बाकी एक छोड़ दिया, दूसरे को भी मैं निकालता हूँ। तो हाँ जी हाँ जी, ये वाला देखें जी आप, ये मेल है, ये बड़ा है साइज में, तो इसको भी मैं छोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये रहा बिल्कुल, ये रहा पेयर। तो इनको कंफर्म करके लाया हूँ जी, इनकी मार्किंग देखो आप। तो भैया ने बताया कि एक भी स्पॉट आप इनमें देखेंगे कि गलत नहीं है, जैसे कि भगवान की एक वो होती है ना, देखो पंख बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मार्क है, ग्रे इनको ब्लू में कहा, इनका जो कलर है वो ब्लू है। ये देखो जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आगे आने वाले व्लॉग्स आप देखेंगे कि इनसे रिलेटेड रहेंगे, और भी बर्ड्स हम लेके आएंगे दोस्तों। सबसे पहले जो ऊपर का हम सेटअप है वो कंफर्म कर लेंगे, मतलब बनवा देंगे। तो अभी वो जो वेल्डर भैया है उनको भी टाइम नहीं है, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे जो है काम चला हुआ है, तो हम प्रॉपर जो है वेल्डिंग का काम करवा रहे हैं, ताकि पार्टीशन देके जो अलग अलग सेक्शन बना सके, और जो हमारे बर्ड्स हैं उनको अलग अलग एक अच्छी तरीके से स्पेस दे सके। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये पूरा का पूरा रोल मंगाया था हमने जाली का, क्योंकि ये कंप्लीट जो है काफ़ी ज़्यादा लगनी थी, इसलिए हमने जो है पूरा का पूरा जाल मंगा लिया, जाली का पूरा रोल मंगाया है, ताकि जितनी लगेगी तो वो बेटर रहेगा। पूरा रोल हमने खरीद लिया, और बाकी जो ये रैक है काफ़ी हद तक बड़ा है, मैं इधर से दिखाऊँ आपको, तो ये टोटली एरिया जो है इसके थ्रू कवर कर दिया, रैक बनाया जा रहा है, मतलब तो सेक्शन वाइज सेक्शन एक हैवी एंगल के साथ ये बना रहे हैं, और पार्टीशन के लिए बीच बीच में जाली दी जा रही है। तो मैं आपको अंदर से जाकर भी दिखाता हूँ। तो वेल्डर साहब अपना काम कर रहे हैं जी यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप जो है इधर वाले जो सेक्शन रहेंगे ये कबूतर के लिए जो हमारे पेयर्स हैं उनके लिए रखेंगे हम, और इस साइड जो है रैबिट का हो जाएगा, और दूसरी साइड है उसमें देखते हैं जैसे जैसे होगा इसमें मुर्गे रखे जाएंगे। तो फिलहाल ये अपडेट है दोस्तों, तो ये प्रॉपर जो है हमने इनके लिए पक्का काम कर दिया है, ताकि बारिश बरसात तूफान जो भी हो तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और इसको प्रॉपरली दीवार के साथ जो है अटैच कर दिया जाएगा, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो पाए।